हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ फूडी अनीता। तो आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ दही बटाटा पूरी की रेसिपी, जो ये खाने में काफ़ी मज़ेदार लगता है, बहुत ही टेस्टी लगता है और इसे बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही जल्दी बनकर ये तैयार हो जाता है। तो चलिए सीखते हैं कैसे इसे बनाना है। तो दही बटाटा पूरी बनाने के लिए हमें चाहिए ग्रीन चटनी, हरी चटनी, इमली की चटनी, अनार, सेव, हरा मिर्च इसे बारीक काट लेंगे, हरा धनिया बारीक कटा हुआ, प्याज बारीक कटा हुआ, दही, बॉईल किया हुआ आलू इसे मैश कर लेंगे, काला नमक, नॉर्मल नमक, चाट मसाला। तो एक बाउल में हम पहले आलू को ऐड कर देंगे, और अब हम इसमें ऐड करेंगे हरा मिर्च। यहाँ पे मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले रही हूँ, अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज, हरा धनिया ऐड करना है, और इसमें अब हम नमक ऐड करेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, चाट मसाला, और अब इसमें हम थोड़ा सा काला नमक ऐड करेंगे और इन सबको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। अब हम लेंगे यहाँ पे दही और उसमें भी हम थोड़ा सा नमक डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे दही मिक्स हो गया। तो यहाँ पे मैं ली हूँ पूरी, इसे मैंने पहले ही से होल करके रेडी रखा है, और ये जो पूरी मैंने बनाया है ये क्वालिटी के पानी पूरी किट से बनाया है। तो अब हम इसमें फिल करेंगे जो हमने आलू का जो फिलिंग्स तैयार किया था, और अब हम इसके ऊपर डालेंगे हरा चटनी, इमली की चटनी डालेंगे, और अब हमें इस पे दही ऐड करना है। गाइस, इमली की चटनी का मैंने वीडियो बहुत पहले ही आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। तो यहाँ पे मैं प्याज डाल रही हूँ, इसके ऊपर हमें सेव डालना है, अब हम इसके ऊपर डालेंगे अनार, हरा धनिया ऐड करेंगे, और हम इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल करेंगे, और अब हम इसके ऊपर काला नमक स्प्रिंकल करेंगे। तो यहाँ पे दही बटाटा पूरी जो है बनके रेडी है। तो गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।